अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी किसी भी करीबी सेंटर में जा रहे हैं और वहां पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंप के जो 7,000 रुपए की जो इमदाद है वो नहीं आई है, या फिर काफ़ी ख़ानदानों को तो ये कहा जा रहा है कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंप की जानिब से नाआहिल कर दिया। वो ख़ानदान किस तरीक़ेकार के ज़रिए अपने नाम को आहिल करवा सकते हैं, क्योंकि सबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इस वेब पोर्टल के ज़रिए अपनी इमदाद को बहुत ही आसानी तरीके के साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वेब पोर्टल के ज़रिए आप अपने नाम को आहिल भी करवा सकते हैं। वो किस तरीके कार के जरिए, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आप सबको स्किप नहीं करना, आप सबको मुकम्मल जरूर से देखना। चलो गाइस वीडियो जानते हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए आज के नीचे ऑप्शन में रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो गाइस बगैर टाइम वेस्ट किए जानिब बढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप इस वेब पोर्टल को ओपन करेंगे, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन और शो होता है, इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जाने। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं इस वेब पोर्टल के जरिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी सारी तफसील, क्योंकि अगर मैं आपको अगेन बताना स्टार्ट हो गया तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं यहां पर अपने शाख्ते का नंबर ऐड करता हूं। नीचे मैं क्या करता हूं, अपना जो भी आपके पास मौजूदा जो नंबर चल रहा हो वो आपने ऐड करना है। अपने पास से भी कोई ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपके पास मौजूदा नंबर चल रहा हो, क्योंकि काफी दोस्त ऐसे हैं जो गलत नंबर ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी जो इमदाद है वो गलत शो हो जाती है, क्योंकि काफी ऐसा भी मसला आता है कि आपके नंबर के जरिए भी वो आपका पैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मालूम कर जैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद फौरी तौर पर आपके पास एक मैसेज होगा जिसमें आपको वाजह तौर पर एक चीज बताई गई होगी कि आप असास प्रोग्राम में आहिल है। अगर आपको इस तरह का मैसेज हो रहा है, इसका मतलब आपकी इमदाद आ चुकी है और आप किसी भी करीबी मरकज से जाकर अपनी इमदाद को ले सकते हैं। लेकिन काफी दोस्तों को यहां पर भी इमदाद शो हो जाती है और वो किसी भी करीबी मरकज में भी जाते हैं और वहां पर उनको ये कहा जाता है कि आपकी इमदाद तो आ चुकी है लेकिन आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। और काफी खानदानों को तो यह कहा जाता है कि उनका अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होता, उनको कुछ मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है आपकी इमदाद नहीं आई। वो आपसे फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड की कोशिश करें कि आप अपने साथ एक पढ़ा लिखा शख्स लाजमी से लेकर जाए और उनको कहें कि हाँ जी हमारी इमदाद आ चुकी है, हमने ऑफिशियली वेब पोर्टल के जरिए चेक किया, आप इस वेब पोर्टल के जरिए एक दफा चेक करके जरूर से जाए। जैसे जाएंगे उनको कहेंगे फौरी वो आपकी इमदाद आपके हाथ में दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आपने काम के अगर आपको कोई मसला आता है, आपको नाइल कर दिया जाता है या फिर कुछ ब्लॉक का ऑप्शन है, उसके बाद आपने शिकायत को पढ़ाना, तीन डॉट्स को टाइप करना, यहां पर आना है। जैसे आप यहां पर आएंगे, आने के बाद यहां पर आपके सामने शिकायत की किस्म दी गई है, ठीक है। यहां पर आपने टाइप करना है, यहां पर टाइप करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है जिसमें उंगलियों का निशान का निशानात का मसला, अंगूठे का मसला या फिर कोई और मसला है। तो यहां पर आपने क्या करना है, अपना अकाउंट ब्लॉक का काफी दोस्तों को मसला आ रहा है, ठीक है। अकाउंट ब्लॉक को टाइप करना है, नाम देना है, अपना शनाख्त का नंबर, चंद तफसीलात और पूछी जाएंगी, वो सारी सारी ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपने जमा करने पे क्लिक कर देना है और इंशाल्लाह आपका जो इमदाद होगी, आपके जो पैसे होंगे वो आपके चेक हो जाएंगे या फिर आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और आपको दो दिन तीन दिन के अंदर अंदर आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।